महान दार्शनिक अरस्तु के अनेक कार्यों से प्रेरित बन उसके शिष्यों में एक प्रबल इच्छा जागृत हुई सिद्धांतों को प्रत्यक्ष अवलोकनों द्वारा परखना। अरस्तु ने अपने शिष्यों को यही सिखाया, जाओ और देखो और खुद से सोचो कि क्या कोई सिद्धांत स्वीकार करने योग्य है अथवा अस्वीकार करने योग्य। उसका शिष्य अलेक्जेंडर अति उत्साही व सर्वश्रेष्ठ था। वह प्रशिक्षित व अनुशासित सेना सहित पूर्व की ओर आगे बढ़ गया था, क्योंकि वह जानना चाहता था कि फारस साम्राज्य के उस पार दूर के क्षेत्रों में वस्तुतः क्या है, जहां के विषय में अनेक कहानियां उसने सुन रखी हैं। अलेक्जेंडर अर्थात सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। वह 3 सालों 343 से 340 ईसा पूर्व तक अरस्तु के साथ पढ़ता रहा। उस समय उसकी आयु 16 साल की थी। अपने पिता की मौत के बाद 20 वर्ष की आयु में वह मकदोनिया का शासक बना। वह एक निपुण सैनिक कमांडर था। अपने ओजस्वी नायकीय कार्यों द्वारा वह अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाता रहता था। उसका मुख्य उद्देश्य यूनानी शासक को विश्व भर में स्थापित करना था। वह विश्व की प्रशासन व्यवस्था का पुनर्गठन करना चाहता था। उसका बर्ताव उसके द्वारा विजित लोगों के साथ अनुकरणीय बन उठा था। वह 4वीं सदी ईसा पूर्व में यह कहते सुना गया कि सभी लोग भाई हैं, उनके साथ भाई समान बर्ताव होना चाहिए। उसका दूसरा उद्देश्य विश्व की बाहरी सीमा निर्धारित करना था। जब सिकंदर दुनिया जीतने के लिए निकला था, उस समय उसे एशिया के बारे में, विशेष तौर पर मध्य एशिया और भारत के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। उसने 334 ईसा पूर्व में एशिया में प्रवेश से पहले हेलेसपोंट पर इस्तर की बर्बर जनजातियों पर विजय हासिल की। तब उसने मध्य टर्की, अनातोलिया का अठार और फारस साम्राज्य के भागों पर आक्रमण किया। उसके बाद वह दक्षिण की ओर भूमध्य सागर के पूर्वी भाग के सहारे आगे बढ़ा और मिस्र जा पहुंचा। 332 ईसा पूर्व में उसने अलेक्जेंडर नगर की स्थापना की। कुछ वर्षों बाद वह नगर क्लासिकल पीरियड का महान व्यापारिक एवं बौद्धिक केंद्र बना। मिस्र की राजधानी में वह 9 महीने ठहर कर नील नदी के ऊपरी और स्थित मार्कोटिस व फराहो के द्वीप तक जा पहुंचा। अब उसने पूर्व दिशा की ओर अपने अभियान के लिए मिस्र को छोड़ दिया। फारस के सम्राट डेरियस को अलेक्जेंडर ने अरबेला के संग्राम मेसोपोटामिया में परास्त किया। डेरियस का पीछा करते करते सिकंदर एलबुर्ज जा पहुंचा। कैस्पियन सागर तट को यूनानियों ने पहली बार देखकर हर्ष व्यक्त किया। वहां से वापस लौटकर वह गुजरात की तरफ बढ़ता चला आया। वह हेरात में आर्टाकोना आ पहुंचा। यहां से सिकंदर सिस्तान के धरातल गियाना से गुजरता हुआ कंधार की ओर बढ़ा। यहां से उत्तर दिशा में बढ़ते हुए सिकंदर अलेक्जेंड्रिया व हिंदुकश से गुजरा और अंत में सिकंदर उल्तिमा आ पहुंचा। 327 ईसा पूर्व के बसंत काल में उसने हिंदुकश को पार किया और खैबर दर्रे से गुजरा। उसने सिंधु नदी पार की और 5 नदियों की धरती पंजाब पर पैर रखा। यहां से सिंधु की 5 नदियों का प्रवाह है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज है। उसे विश्वास था कि अब वह आवासित जगत की पूर्वी सीमा से कुछ ही दूरी पर है। वह आगे बढ़ना चाहता था कि उसके सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। सैनिक आगे नहीं बढ़ना चाहते थे और अपने देश यूनान वापस जाने पर अड़ गए थे। इसी जगह भारत के शक्तिशाली राजा पुरु और सिकंदर की लड़ाई होती है। सिकंदर की जिंदगी का यह सबसे भीषण युद्ध था। इस युद्ध में दोनों ओर की सेनाओं का बुरी तरह नुकसान होता है और यहां से बुरी तरह हार के बाद वापसी के लिए निकल लेता है। वापसी के लिए सिकंदर ने थल एवं समुद्री दोनों राह पकड़ी। सेना की एक टुकड़ी नियरकस की कमान के अधीन अरब सागर को खेते हुए सिंधु मुहाने से फारस खाड़ी के शीर्ष पर आ उतरी। दूसरी टुकड़ी सिकंदर के साथ थल मार्ग से सिंध हैदराबाद से गुजर पश्चिम में मकरान बलूचिस्तान व ईरान के दक्षिणी भाग से गुजरती मेसोपोटामिया जाने को आगे बढ़ी, परंतु यहीं बेबीलोन पर 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मौत हो जाती है। इतिहासकारों का तो यह भी मानना है कि राजा पुरु से
युद्ध में सिकंदर बुरी तरह घायल हो गया था और तभी से उसकी तबीयत खराब हो गई थी। दुनिया को जीतने की उसकी इच्छा अधूरी ही रह गई थी। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा यह हमें ज़रूर बताएं। साथ ही साथ ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।